सूचना जनपद मथुरा के जैत ग्राम से है, जहां पर लगभग 4 बीघा गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से गांव में हलचल सी मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें ग्रामीणों ने सूचना पाकर आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू करते हुए भी 4 बीघा फसल जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह आग दोपहर के जैत निवासी राम गोपाल भगत सिंह पुत्र फतेह सिंह जी के खेत में लगी। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी, जहां पर कुछ समय बाद पुलिस पहुंची। वहीं इस पर कैद चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार ने बताया कि दोपहर को सूचना मिली थी कि डायल 112 पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम भी सूचना पर पहुंची, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक ग्रामीणों पर आग पर काबू पा लिया था। यह आग राम गोपाल भगत के खेत पर लगी। फिलहाल आग का कोई कारण ज्ञात नहीं हो सका है। वहीं खेत स्वामी राम गोपाल भगत जी एवं अमर सिंह एवं पड़ोसियों का कहना है कि आग किसी बच्चे ने लगाई है, कुछ बच्चे भागते हुए दिखे। वहीं लेखपाल भी आग की सूचना पाकर जैत पहुंचे और आग लगने की जानकारी जुटाई। वहीं खबर लिखे जाने तक पीड़ित पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। कौन सा गांव है ये? जैत। तो ये फसल जो जली हुई है गेहूं की, इसके बारे में बताएं। मैं ये पता नहीं किसने लगाई है, ये तो कुछ लोग बता रहे हैं, बच्चे ने कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। पर इसकी सूचना वगैरह चौकिया थाने में किस प्रकार से दी आपने? थाने में दी है, बड़े भाई ने दी है हमारे ने, जो भगत सिंह मास्टर साहब। मतलब किसी के नाम से दिया या अज्ञात में? क्या अज्ञात से? अच्छा, किसी से नहीं दिया। अच्छा अच्छा, किसने लगाई अज्ञात में? तो कितना बीघा फसल थी आपकी जो? 4 बीघे। अच्छा अच्छा, तो मौके पे कोई राजस्व विभाग से कोई अधिकारी वगैरह आया यहाँ पे? लोकपाल जी आए थे। अच्छा अच्छा, वो नोट करके ले गए। नोट करके ले गए, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? विमान। जी कौन सा गाँव है? जैत। जैत, तो बताएं जो फसल जो जली हुई है, क्या कुछ कारण समझ में आया? कारण ये बता रहे हैं, वही बात है। क्या बता रहे हैं? बच्चनबारी के फेंक गए हैं, क्या जाने क्या कर गए हैं। यहाँ थे आँच पर वैसे भैया जा कोने पे थे, पहले ये जामे आई है, फिर जामे आई है, जामे थे फिर बामे के ये हमारे में। अच्छा, यानी बच्चों की किसने बताया कि आँच बच्चों ने दिया? ये झोलते नजर आए हैं बच्चा, भागते नजर आए, जोलते नजर आए, तो वो अंदाज लगाया जा रहा हो कि कोई वह सके बच्चा बीड़ी भीड़ी पी के फेंको हो। अच्छा अच्छा, इसकी सूचना जो पुलिस में दी है अज्ञात में दी है? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम गोपाल है। कौन सा गांव है ये? गांव जैत है। अच्छा, ये गांव जैत के अंदर जो आप इस खेत में खड़े हुए हैं, जो फसल है गेहूं की जो जल करके राख हुई पड़ी है, क्या कारण है और मतलब क्या कुछ सूचना, मतलब कैसे आग लगी? कुछ लोग बता रहे कि कुछ बच्चे थे कि भाग गए यहाँ से, यहाँ कोई था नहीं। अच्छा, तो कोई बच्चे मतलब छोटे बच्चे दे के भाग गए? बच्चे दे के लगाए के भाग गए। अच्छा अच्छा, तो इसकी सूचना वगैरह कोई दी आपने चौकी या थाने कहीं? सूचना दी होगी बाल करने में, तो हतना हो गया, मैं तो बाहर से आया हूँ। अच्छा अच्छा, पर आग पर जो काबू कैसे पाएगा यहाँ पे? वो कछु तो पानी मारे हो, समरसेबल चलाइए, कछु ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर दी आगे। तो कितना बीघा फसल थी आपकी ये जो है? जी करीब 4 बीघे फसल जल गई। अच्छा, 4 बीघा फसल जल गई है, तो इसके जिम्मेदार किसे मानते हो आप? अब ठाकुर जी ने जराए दी भैया, जिम्मेदार कौन माने बता। अच्छा, ठाकुर जी जराए दी।